हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक और नई भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल के 60,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल के 60,244 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट यहां पर ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस का ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आकर गाइज, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कैंडिडेट लॉगिन स्टेप पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन की स्टेप के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम देना है, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नेम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, अपने फादर का नाम देना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम देना है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है और ईमेल आईडी एक बार फिर से आपको एंटर करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएमसीजी इन श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण या फिर आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइड कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहां पर आपको अपनी हाई स्कूल और 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले देना है यहां पर आपको अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर आपको उत्तीर्ण यानी कि अपनी 10वीं क्लास पास आउट करने का महीना और वर्ष यहां पर सिलेक्ट कर लेने होंगे। उसके बाद आपको अपना परिणाम यहां पर देना है, आप पास आउट हो। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, फिर यहां पर आपको अपनी मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर देना है। ऐसे ही यहां पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद यहां पर आपकी प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपसे पूछी गई है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने DOEAC या फिर NIELIT से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं किया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं किया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद आपको यहां पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको यहां पर सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा। अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहां पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर आपकी सभी डिटेल्स का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी डिटेल्स को रीड करना है और चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है ओटीपी के थ्रू, तो यहाँ पर अब आपको एक्टिवेट थ्रू ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, एक ओटीपी जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आया होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहां पर आपको ₹400 फीस के रूप में जमा कराने होंगे, सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहां पर ₹400 कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। तो यहां पर अब आपको पे नाउ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहां पर आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो, यहां पर अपना फीस पेमेंट करें आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू। उसके बाद यहां पर आप अपना बैंक सिलेक्ट करें, फिर आप यहां पर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ये एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर दें, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा फीस पेमेंट होने के बाद। यहां पर अब आपको अपने कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यहां पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फोटो आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में, आपका सिग्नेचर 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में। आपको ब्राउज किस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट अपलोड कर देने हैं, मार्कशीट अपलोड कर देनी है, फिर यहां पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। साइज यहां पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए दी गई है, इन बाकी के डॉक्यूमेंट के लिए आपकी फाइल के साइज 20 से 100 KB के बीच में रहेंगे, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपी फाइल साइज यहां पर आपका रहेगा फाइल फॉर्मेट। उसके बाद यहां पर अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको यहां पर फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो कर दिया गया है, मैसेज भी शो कर दिया गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर आप प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 से ज्यादा खाली पदों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।